हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। मक्के के आटे का स्टफ परोठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बाउल मक्के का आटा, धनिया पत्ते 1 बाउल, हरी मिर्च 5 से 7, चाट मसाला, नमक, चीज क्यूब, घी और पानी। अब हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे पानी डाल के गूंद लेंगे। हमने आटा गूंद लिया है, अभी हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे मसल लेंगे। अब हम 1 बाउल लेंगे और इसमें 1 चम्मच जितना कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़े से धनिया पत्ते डालेंगे। और आधी छोटी चम्मच जितना चाट मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अभी हम थोड़ा सा आटा लेंगे ये देखिए और बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया है, अभी हम इसे साइड में डिश में रख देंगे और फिर से थोड़ा सा आटा लेंगे। और इसे भी ऐसे ही बेल लेंगे। और हमने जो ये मसाला रेडी किया है वो इसमें भरेंगे। और अब इसमें चीज डालेंगे और हमने जो ये बेल के रखी है उसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे दबा के जॉइंट कर लेंगे। ऐसे हमें चारों ओर से जॉइंट कर लेना है और फिर इसे थोड़ा सा बेलेंगे। अब हमने तवी पे गरम कर लिए और तवी पे ये परोठा डालेंगे। और इसे
क्रिस्पी होने तक सीकेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे, घी ऊपर से लगाएंगे क्योंकि इसमें कच्चा घी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये परोठा सीख गया है। अब हम इसे ऐसे निकाल लेंगे और इस पे घी लगाएंगे। ऐसे इसे दबा दबा के इसमें हम 2 चम्मच जितना घी लगाएंगे। रेडी है हमारा स्टफ परोठा। रेडी है मक्के के आटे का पराठा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।